तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो कैसे अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए या नया आधार कार्ड बनवाने के लिए कैसे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आधार कार्ड का नया एक पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि आपको एक बार लॉगिन करके आप सारे फीचर एक बार में उसके जो बेनिफिट जो है उठा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको नए वाले पोर्टल से मैं अब बुक अपॉइंटमेंट जो है लेके दिखाऊंगा। अपॉइंटमेंट आप किसी भी आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए या फिर उसको नया बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन कर लिया, myaadhar.uidi.gov.in। आपको ये गूगल में या क्रोम ब्राउजर में डाल आए तो वैसे यहाँ तक कि पुरानी जो वेबसाइट है वो आपके सामने आएगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हो। सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप मोड में यहाँ से कर लेना है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप मोड में कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे तो ये इस पर ट्रैफिक भी नहीं है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आप जल्दी से जल्दी इसमें अपॉइंटमेंट जो बुक कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इसमें सारी सिटी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिस भी सिटी में आपका नेम है, जैसे कि संजय पैलेस आगरा, तो आपको वो जगह डाल देनी है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सिटीज देखने को मिल जाती हैं, आपके नियर बाय भी हो तो आप उस पर भी क्लिक करके यहाँ क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आगरा संजय पैलेस में हमको बुक करना है, तो प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट पर यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको aski.doi इसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फिर से इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आपको ये कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाता है। आपको जैसे कि आधार अपडेट कराना है तो इस पर क्लिक करना है, यदि न्यू आधार बनवाना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और मैनेज अपॉइंटमेंट पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि कोई अपॉइंटमेंट आप बुक करते हो और बीच से कट हो जाती है, आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप जो कि चार्जेस देख सकते हो, आपको फ्री में आपके जो बुक होने वाले हैं। तो जैसे कि हमको नया आधार कार्ड बनाना है, तो नया आधार पर के हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और ये सेम कैप्चा कोड इसमें फिल करना है आपको। इसमें फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों ओटीपी जनरेट हो चुका है, आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। यदि आप नहीं ले पाते तो आप इस पर भी इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके जो अपना अपॉइंटमेंट फ्री में बुक करा सकते हो, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे जैसे कि हमको न्यू एनरोलमेंट पे आना है, और रेजिडेंट यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इस पर क्लिक रहने देना है। जैसे कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन साइड हमको डॉक्यूमेंट देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने सिटी और एएस के सेंटर यानी कि आधार सेवा केंद्र, आप फिर आपको यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है, फुल नेम एंटर करने के बाद आपको नाम प्रमाण देना है किस कि आप क्या प्रूफ जो है यहाँ पर देना चाहते हो। जैसे कि आप प्रूफ में आर बैंक पासबुक आईडी कार्ड, यदि आपके पास कोई एक मैं आपको एक वीडियो जो बता दूंगा जिसमें कि मैं आपको ये प्रूफ बता दूंगा कि आप जो क्या क्या कर सकते हो। यहाँ से आपको एक प्रूफ सेलेक्ट कर लेना अपना, जो भी आपके पास स्कूल की लीविंग सर्टिफिकेट यानी कि TC है तो आप TC भी देख सकते हो, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना आपको, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी देना है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे सबसे अच्छा प्रूफ है। ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, ये ऑप्शनल है। पिन कोड एंटर करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में अपने टाउन पोस्ट ऑफिस, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल आ चुका है। यहाँ पे आपको फादर नेम केयर ऑफ में यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, जिसमें कि आपको अपना मकान नंबर जो है डाल देना है। उसके बाद आपको स्ट्रीट लैंडमार्क आपके नियर बाय क्या पास में पड़ता है, यदि आपका जो कुछ भी कोरियर वगैरह आता है आप अपने एड्रेस से करते हो तो आपका लैंडमार्क क्या आता है। उसके बाद आपको अपने एड्रेस प्रूफ भी देना होगा कि आपके क्या प्रूफ है आपके पास एड्रेस का, तो 2 व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो, आधार कार्ड हैविंग फोटो इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने ये, और उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अपॉइंटमेंट आ जाएंगे, जो रेड रेड है अवेलेबल, यहाँ पे अभी तक 1 महीने तक कोई भी अपॉइंटमेंट खाली नहीं है, तो आपको यहाँ नेक्स्ट महीने की देख लेनी है। इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट मंथ की आप इस पर क्लिक करके, जैसे दिसंबर तक कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको सुबह 11 बजे के टाइम पर या 10 बजे के बीच में आपको सर्च करना है, जब भी आप ये अपॉइंटमेंट जो बुक कर सकते हो।
उस पर क्लिक जैसे करोगे तो आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। एक आपको PDF जो है प्रिंट करा लेना, उसके साथ आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं, जहाँ पे आपको एक एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि संजय पैलेस का ये एड्रेस आ रहा है 12 सितंबर, अब जो आप डेट सेलेक्ट करोगे वो आपकी यहाँ पे उस पर प्रिंट होगी बिहाइंड कॉस्मिक मॉल। इसी एड्रेस पर आपको विजिट करके और जो प्रिंट आउट आप ये अपॉइंटमेंट का निकालोगे उसको ले जाके और आपने जो भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ और आपने आइडेंटिटी के सेलेक्ट किए हैं वो आपको अटैच करके वहाँ पे देने हैं। और लाइन में लग के आपका कुछ ही देर में आपका जो है अब आधार कार्ड बना दिया जाएगा और अपडेट भी ऐसे ही किया जाएगा, जिसमें कि आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा सिर्फ, और कुछ नहीं करना। प्रूफ आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए क्यों आप प्रूफ देना चाहते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगा और समझ में भी आई होगी, या नहीं समझ में आई है तो आप जो है कॉन्टैक्ट करके भी अपने इसको अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन फ्री में बुक करा सकते हो। और टाइमिंग जो रहेगा वो 10 से 11 के बीच में आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो और कॉल कभी भी कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।